तो हेलो गेमर्स, कैसा सही सो गाइस, फाइनली अपना जो रैंकिंग है 400 यानी कॉनकर के अंदर आ चुके हैं। लेकिन कल रात में ही हमारा कॉनकर लग गया था, लेकिन एक मैच, सिर्फ एक मैच के चलते ना भाई आज फिर हमें खेलना पड़ा। बट यस, अभी टॉप 100 के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। तो गाइस देखो, फटाफट से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो, एंड यहां पे एक बार लॉबी देखो। अब मेरे अलावा एक और बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया पार्टनर, मैंने बोला भाई ये कौन है, मुझे आइडिया भी नहीं इसका नाम कि कोई यूट्यूबर है या फिर कुछ। मैं सीधे चल देता हूँ गेम में, देखते कि भाई कोशिश करते पूरा बंदों को मारे, ऐसा पूरा भगा के मारे, सारे मारेंगे, कोई एक दूसरे को खेल नहीं दे रहा, सब मारेंगे। और इसी बीच में भाई अब ये हो जाता है कि और भी काफी सारे यूट्यूबर्स के आपके नाम दिख रहे होंगे यहाँ पे, भाई सारे वाइटी वाइटी। मैंने बोला भाई ये मैच थोड़ा हार्ड हो सकता है, बट कोशिश करो कि भाई ये मैच हमें विन निकालना है अच्छे खासे कल के साथ। तो भाई फटाफट से लाइक कर दो। आखिरी तो इस मैच की जो आखिरी है और बीच में जो इंटेंस आने वाला ना भाई, वो तुम देख के बोलोगे भाई क्या कर रहे हो पवन भाई, कैसे मतलब कैसे कर रही चाहिए। अब बंदे ही देख लो यहाँ पे, और गाड़ियां तो तुम देख ही रहे हो काफी सारी आ रही है। तो फटाफट से लाइक कर देना, जनरल सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर देना, जो सब्सक्राइब करेगा प्लीज अपना नाम नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना कमेंट करके। एंड अब से मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक दिन वीडियो डालते हैं और एक दिन लाइव करते हैं, तो आपका क्या कमेंट करके मतलब आंसर देना कि क्या हमें ये करना चाहिए। बाकी भाई मैं गलती से यहाँ चढ़ गया था, बंदे काफी ज्यादा आए हैं, हद से भी ज्यादा, 50+ बंदे सिर्फ एक जगह पे। अब बचाने जाना पड़ेगा मेरे को टीममेट्स पे। कोशिश जितना हो सकता था मैंने बचाया यहाँ पे, और शांति से अभी बैठ के खेलना पड़ेगा भाई, क्योंकि अब जो इस मैच में होने वाला है, क्योंकि इवेंट पे अगर किल निकलते हैं तो भाई आगे जाके मैच में भी मजा आता है खेलने में। ओके अब हो जाएगी दिक्कत, और ये रहा एक्सूट वाला बंदा जो भग रहा था, ये था ये नहीं पता नहीं यार मुझे भाई, इस मैच में काफी सारे एक्सूट वाले बंदे भाई, अब डेली का हो गया, काफी एक्सूट वाले बंदे आते, काफी अच्छे बंदे आते, काफी इंटेंस फाइट देने वाले। तो वो चीज देखने के बाद भाई इसने एक्सूट उतार दिया, इस बंदे ने मरते ही एक्सूट उतार दिया। और अभी तो रुको भाई, अभी पोस्ट साइड में एक्सूट की भी बारी है। सो कहते हैं फटाफट से लाइक सब्सक्राइब कर लो, एंड इसके पास फैरो एक्सूट था, मरते के साथ साथ इस बंदे ने उतारा है क्योंकि नंगा हो गया पूरा भाई। बट हीलिंग के नाम पे कुछ नहीं, जितनी हीलिंग है उतने में ही अपने को गुजारा करना पड़ेगा। अब इधर उधर हम इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि भाई बीच में से जो बंदे भाई वो मारे जा रहे हैं, और लूट के नाम पे हीलिंग के नाम पे कुछ मिल नहीं रहा। इधर से उधर भाग रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इनको नॉक देने की, फाइनली नॉक करते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे टीममेट एक नॉक हो चुका था। सबसे पहले रिवाइव देने की कोशिश, क्योंकि बच सकता तो बचाओ भाई, वरना भाई एक एक टीममेट अभी जरूरी है। अब यहाँ पे सामने तो नॉक हो ही रहे हैं, लेकिन अब द कैरियोक्स नॉक हो गया। मैं बोला भाई मैं जाऊँ उन पे, लेकिन ये बीच वाले मार रहे हैं मेरे को। मैं कोशिश करता हूँ जाने की, कैरियोक्स से बचाते हैं। अरे रुक जा मेरे पास एमओ भाई कुछ भी नहीं। और अभी पोस्ट साइड में एक्सूट की भी बारी है, सो गाइस एक बार रेडी हो जाओ, एंड एक बार ओपी कमेंट बॉक्स में कर दो। एंड आप लोग कमेंट करके बताओ कि हम एक दिन लाइव एक दिन वीडियोस डाले तो भाई बताओ, क्योंकि टॉप 100 की रैंकिंग हमें लेनी है कुछ भी करके, क्योंकि हम इतने दिन से खेल ही रहे तो टॉप 100 रैंकिंग हमारे लिए कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी कि टॉप 100 में काफी आगे तक जाएं हम। बाकी यहाँ पे रश तो पूरी कोशिश रहती है करने की, लेकिन अगर इवेंट पर मर जाता ना तो थोड़ा बहुत होल्ड करके खेलना पड़ता है, क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस चाहिए नहीं होता। और इधर भी शायद एक सेकंड, इसमें बंदा है, एक सेकंड इधर भी है, भाई बंदे कैसे काम कर रहे हैं ये देखो। और एक अभी इसके अंदर है, इसको फिनिश करते हैं। एंड अभी भी काफी सारे बंदे जगहों पे हैं, तो कोशिश बस यही कि भाई यहाँ पे जल्दी जल्दी हमने पूरे इवेंट को खाली करना है, क्योंकि हम एक जगह रुकते नहीं मारने का, डायरेक्टली इस पर स्लाइड मारते हैं। एंड एक सेकंड पीछे को फिनिश मार दूं मैं। ओके तो ये बॉट था भाई, मेरे को हालत खराब होगी, पीछे कौन सा कैंप कर रहा है भाई बंदा। अब यहाँ पे थोड़ा नेट का इशू भी आ रहा था, देख 40 हम इसलिए, लेकिन पिकअप बहुत ज्यादा लेट हो रहा है। एंड इतने भी टीममेट्स ने नॉक दिया ऊपर, मैं कोशिश करता हूँ भाई अब तो चढ़ जा भाई, जब जरूरत पड़ती है ना तब नहीं चढ़ता, बेफालतू का भाई इतना चढ़ेगा। इसी बॉक्स के पीछे जो भी है, ये ग्लेशियर के बॉक्स के पीछे नॉक किया इन्होंने, मैंने एक डाउन दिया। और अब भाई कुछ भी करके जाना था इन बंदों पर रश करने, अब डर ये था कि इधर से ना मारे और ऊपर से ना मारे, और फाइनली आ गया ऊपर से। और कॉन्कर में भाई जितना तुम रश करते हो ना उतना ही पिटते हो, अगर आप होल्ड करना आपको सीख गए हो कॉन्कर में तो भाई आप उतना अच्छा खेल पाओगे। अगर आप लोगों ने रश किया तो देखो, आप लोग तो मार ही मार ही रहे हो, चलो आप लोगों ने सामने वाली टीम पर रश किया, लेकिन आपके अलावा भी 10 टीमें आपके साथ में बैठी हुई हैं, वो आपके ऊपर रश कर जाएंगी। यहाँ पे ये होता है कि भाई शांति से बैठो, कोशिश करो जो टीम से ले रहे हो फाइट वो आराम से फाइट लो, अगर आप लोगों ने जरा सा भी शोर किया तो कुछ ये हालत होगी, जैसे कि इस बंदे ने किया। हल्का से देखा,
कोशिश किया नॉक लेने का, अब बस डर ये था कि घर से कोई ना मार दे अपने को, क्योंकि हमने फायर देके साउंड दे दिया था इधर। नहीं वहां नहीं था ये रहा पोसाइडन एक्सूड, अब ये फंस चुका था। एक और बंदा नीचे, पोसाइडन एक्सूड को भी ठिकाने लगाते हैं और अब चल देते फुल स्पीड में एक नीचे वाले बंदे को भी लेने। बाकी अगर आपका मजा आ तो जरूर से लाइक सब्सक्राइब कर लेना। अब यहाँ पे डीबीएस मिल जाती है मेरे को, मैं बोलता भाई अब डीबीएस मिल गई। मैं देखो कोशिश कर रहा हूँ डीबीएस चलाने की, मेरे को आती नहीं चलाना, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ डीबीएस चलाने में। काफी बंदे एकदम प्रॉपर चला लेते, एकदम एक्यूरेट करेक्ट होता है उन पर, मतलब एकदम प्रॉपरली मारते हो बंदे। मेरे को इतना नहीं आता, मेरे को बस इतना आता कि हाँ एक दो बंदे निकाल दूंगा, कोशिश रहेगी एक दो बंदों की, लेकिन मेरे को बैक टू बैक नहीं मारना आता। अब नॉक कर दी, कोई तो मेरे आगे पीछे कोई तो बैठा हुआ है, फुटस्टेप आ रहे हैं आगे से, लेकिन पता नहीं कहाँ चिपका बैठा है, तो मैं पीछे जाता हूँ जानबूझ के। थोड़ा बहुत डैमेज पड़ेगा कूदते में, लेकिन सीढ़ी के पास ही कोई बैठा है तो जानबूझ के जंप मारता हूँ। एंड ये देखो इसके ही फुटस्टेप आ रहे थे मेरे को। भाई मैंने क्या बोला आपको, कॉन्कर में यही होता है, अगर आप लोगों ने शोर किया, जैसे ये बंदा शोर कर नहीं रहा था, चुपचाप खड़ा हो गया था आगे, कि हम बस आगे आए और पूरा नॉक तो देगा ही देगा, फिनिश भी इंस्टेंट देगा। अब जिसको मैंने नॉक किया था वो बंदा इधर था, फिर उसी को नॉक देता हूँ, क्योंकि वो जस्ट हील भी नहीं किया था, शायद भग रहा था बस। अब भाई डीबीएस की बारी, देखते हैं डीबीएस बचाता या फिर खामो का मरवाएगा मेरे को। अरे यार मैं क्यों, भाई मैंने गलती कर दी, पता है इसे मैं ले सकता था। चलो रीति रिवाज पूरे करते हैं, डीबीएस हम लोग फिनिश देते हैं। एंड भाई डीबीएस है तो ओपी, लेकिन चलाना सीखना आना चाहिए, मेरे को उतना अच्छे से नहीं आता, बट कोशिश है अपनी। अब यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट खाली कर दिया था, और भी तीन या बंदे थे, कुछ और बंदे थे जो कि पता नहीं किस साइड में, एक सेकंड, अरे दो डाउन है। और इनमें से एक बंदा था जो कि हमको ऑल पे गाली वाली दे रहा था, और वो यूट्यूबर को भी गाली दे रहा था, पता नहीं वो यूट्यूबर का नाम क्या था, आप लोगों को पता हो तो बताना, क्योंकि उसने अपने यूट्यूब के चैनल का नाम नहीं रखा था, उस पर टाइटल था इतना पता मेरे को। मोए मोए, अरे भाई इसके साथ तो मोए मोए हो गया भाई। खैर अब मेरे टीममेट से आप मजे ले रहे थे इससे, और काफी देर से मतलब ये ऑल पे बंदे बोल रहे थे, अब गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि बहुत देर से हम यहाँ पे फंसे पड़े थे, एंड ये साइड साइड सब मार रहे थे, बीच में मतलब बीच वाले बंदे बहुत देर से परेशान कर रहे थे, और उसका जो सारा गुस्सा था हमने इस बंदे पर उतार दिया। मतलब जब से पकड़ा तो यही गया ना बीच में, चाहे कोई भी मार रहा बीच में पकड़ा यही गया, तो इसको हमने सुना दिया अच्छे से। अब यहाँ पे पोसाइडन एक्सूड भाई सारे ही आ चुके थे, और अब है चलो कोशिश है कि भाई इस मैच को हमने विनिंग निकालना है। अब इतने में ही हम काफी देर ढूंढते ढूंढते वहां से यहाँ पे, एक तो आते आते टाइम लग जाता, और पीछे से भी किसी ने फायर दिया, मैं बोलता चलो आता हूँ, लेकिन अभी सामने कैरियो के पास बंदे थे पोशिंग की में, जस्ट सामने रिकॉल पे, अब इनको लेना जरूरी था, मैं बोला चलो आओ जो सामने उनको पकड़ते हैं, फिर बाद में उन पर चलेंगे। बंदा घर के अंदर, अब ये एक तो यार गेम ग्लिच भाई उतने, अरे भाई क्या गेम ग्लिच है सीरियसली ब्रो। अब ये जो बंदे थे भग गए उधर भाई, इतने देर में तो मार देते, अब चलो मेरे टीममेट्स पहुंच गए उनके ऊपर। अब बारी है यहां से नेट वेट करने की, अब पैनिक रूम में आता हूं। मेरे आगे आ जा, एक बंदा प्रॉपर दिखता है यहाँ पे। अब यहाँ पे ऊपर से भी कोई मार रहा था चर्च साइड से, मैं बोलता चलो मैं जा रहा हूँ, इसको मैं देखता हूँ, तुम लोग संभालो इसको। यहाँ एक मॉली करी क्योंकि बालकनी में कोई तो लेटा हुआ था, भगा बंदा। एक और मॉली करने का टाइम आ गया, जो कि आई थिंक सो ऑल डेड हो गए। आई थिंक सो ऑल डेड हो गए। अब यहाँ पे जोन था नहीं, यहाँ पे स्क्वाड हाउस के पास, चलो यार उनको छोड़ो, पीछे वाले जो बंदे हमें पता है उनको भरते हैं जो जोन के अंदर है, बाहर वाले को छोड़ो, जो पीछे बंदे हैं जिन्होंने अभी हमको आते टाइम पे फायर दिया था उनको पकड़ते हैं फटाफट से। आओ भाई इसके पास में गया और अंदर आ गया अचानक से। अब एक बगी आती है लेकिन वो साइड साइड से ही निकल जाती है, तो कोई मतलब नहीं था बैठ के, तो मैं बोलता भाई चलो अगले बंदे पे चलते हैं, मारते हैं यार, हटाओ इन सबको, ये बंदे तो आने का नाम ही नहीं ले रहे। और कॉन्कर अपना हो चुका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, बस देरी इतनी है कि भाई कल की देरी है, अपने को कॉन्कर मिल जाएगा, देन उसके बाद हम कॉन्कर रैंक पुशिंग की साइड से होते हैं, कल मैं लाइव भी करूँ तो आप लोग रेडी रहना, कल लाइव हो सकता है अपना। बाकी पीछे वाले बंदे पर मैं इंस्टेंट रश कर देता हूँ, और रेंडर भी हो चुका है यहाँ पे, और जैसे ही ऊपर आता हूँ देखो देखने को क्या मिलता है। ये लेटा बंदा एक, लेट्स गो डीबीएस, व्हाट द हैक ब्रो, डीबीएस का इतना डैमेज सीरियसली, दो पड़े थे ऐसे शॉट्स भाई, इसीलिए बोलते हैं भाई डीबीएस पे ज्यादा भरोसा नहीं,
कभी कभार मार भी देता है एक शॉट में, कभी कभार दो तीन चार भी शॉट मार दोगे। आ रहे हैं भाई नीचे भी आ रहे हैं, रुक जाओ। अब नीचे वाले बंदे में परेशान करते हैं, वो यूट्यूबर हमें मिला नहीं था शायद, वो इवेंट पर मरने का एकदम शांत हो गया, उसने कहीं मारा ही नहीं कुछ। ड्रॉप मार करा देख, सामने बंदा था और यहाँ पे थोड़ा सा गलत नेड, वो बंदा इधर यहाँ था, एक हेड खाता। मैं बोलता अब मैं घुस रहा हूँ इस पर, तुम लोग उधर संभाल लेना। अरे यार एक तो इधर उधर से पढ़ना शुरू होती है ना इतना जल्दी जल्दी, कभी तो एक बार में चढ़ जाएगा भाई। ले भाई अब मैं सोचता हूँ कि इसको परेशान करो ताकि इसके बंदे और पैनिक हो और घुसने की कोशिश करें हम पे, लेकिन कोई होता ही नहीं है भाई, उल्टा वो ऊपर ही बैठे हुए हैं। मैं सोचा कि भाई क्या पता वो नीचे कूद जाएगा। मतलब एक काम करो मैं जा रहा हूँ ऊपर, तुम लोग देख लेना, आ जाओ पीछे। और अगेन DPS के साथ क्या ये स्क्वाड क्लच होगी। यस सो गाइस फाइनली 15 किल हो चुके थे, एंड अब मैं थोड़ी बहुत सी गलती कर देता हूँ यहाँ पे, जो कि आपको भी समझ आ जाएगी मैंने क्या गलती करी। और तुम्हें जो समझ आएगी ना भाई, तुम बोलोगे पवन भाई ये क्या कर रहे हो, मैंने बोला ना इंटेंस कुछ होगा बीच में, एंडिंग कुछ होगी। अब यहीं पे मेरे टीममेट्स निकलते हैं लेकिन उनको कोई और दूर से ही मार देता है। अब ये गाड़ी के पीछे भगने लग जाते हैं, अब इनको मैं समझाता भी हूँ अकेले मत भगो। अब वहाँ जाके दो मतलब पूरे दोनों दोनों पिट जाते हैं। अब हो गया सी, अब यहाँ पे गाड़ी वाड़ी फटती है भाई इनका, और इनका हो जाता है दिक्कत। मैं मतलब एक काम करता हूँ जोन में ले रहा हूँ मैं, छोड़ो इन पे जाने का कोई फायदा नहीं, और पड़ भी रही थी हमें सीधे जाते तो पड़ती भी, और ऊपर से जोन का भी दिक्कत। अब इतने में ही मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तीन बंदे बचे हैं ठीक है, और मेरा अभी भी पूरा दिमाग में यही चल रहा है क्योंकि मैं पता नहीं क्या सोच के बैठा था, मुझे लग रहा अभी भी दो बंदे, सिर्फ दो बंदे हैं। और ये चीज सोचने के बाद मैं भाई ऐसे ओपन में बैठ के मार रहा हूँ भाई, तुम देखना भी क्या होगा मेरे साथ। एंडिंग अलग, बीच की एंडिंग अलग, मतलब बीच का इंटेंस फाइट अलग। आप इसको रोक देते ही इसके बंदे को भी हट देता हूँ, और अब मुझे लगता है सिर्फ यही दो तो बंदे हैं। मैं मजाक से हटके मैंने ऊपर किल फीड पर ध्यान ही नहीं दिया, मतलब किल मतलब कितने बंदे बचे हुए हैं, एंड इतने में मैं कूद जाता हूँ पीछे बिना कुछ सोचे समझे। मैं सोचता हूँ घर के ऊपर चढ़ते हैं स्नोबॉल बनाते हैं, मेरे दिमाग में सीरियसली ये चीज़ नहीं था कि भाई अभी भी तीन मतलब एक मार गया तो अभी भी दो बंदे अलाइव हैं, मुझे लगा भाई सामने ही तो है ऊपर चढ़ के मारता हूँ, लेकिन हो जाता ये सीन। और मैं बिल्कुल मजे में, मुझे आइडिया ही नहीं था कि भाई दो बंदे बचे हैं एक नहीं, एंड थोड़ी बहुत कैरियोक्स मर जाता है। बट कोई ना कहते फटाफट लाइक कर दो, जिन्होंने सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर दो, और भी कौन कौन लॉबी के गेम लिए चाहिए तो जरूर से कमेंट करके बताना, एंड लाइव कल आने वाले सब ज्वाइन हो जाना ठीक है, शाम के 6 या 7 बजे लाइव आएंगे ठीक है। बाकी लव यू गाइस, बाय बाय।